गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हनीकॉप बुक का, इंग्लिश की बुक का थर्ड चैप्टर, गोपाल एंड द हेल्सा फिश। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड तक का और जो पोयम था वो कंप्लीट कर ली थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये जो अपनी ये जो एक कॉमिक बुक का सीरीज़ है गोपाल एंड द हेल्सा फिश, तो इसके अंदर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स करवाऊंगी मैं और ये चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो बिफोर यू रीड पढ़ते हैं पहले अपन, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक, क्या आपने कभी भी लाइफ में कॉमिक बुक पढ़ी है। अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक वो बुक्स होती हैं जिसके अंदर जो स्टोरीज होती है, जो कहानियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पिक्चर्स के साथ होती हैं। बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं उनके साथ, छोटे छोटे में या फिर जो कह रहे होते हैं वो कम्युनिकेशन वाली चीज़ सब उसमें अलग से लिखी हुई होती हैं विद पिक्चर्स। गोपाल एंड द हिल्सा फिश, तो ये देखिए इस तरह की कॉमिक बुक का ये जो चैप्टर है ये भी एक कॉमिक स्टोरी है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट है अपना, ये देखिए, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीज़न है अभी जो ये जो सीज़न चल रहा है वो किसका चल रहा है, हिल्सा फिश। ये फिश की एक एक बिराज होती है, जाति होती है, टाइप ऑफ फिश है हिल्सा फिश, तो उसका सीज़न चल रहा था। और जो फिशरमैन है वो और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ किसके बारे में सोचते थे, हिल्सा फिश के बारे में। वहाँ पे जो कोई भी था वो सिर्फ हिल्सा फिश के ही बारे में बात किया करता था। नीचे देखिए, इसमें देखिए आपको आपको फिशरमैन्स फिश को जाल में लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट में। सेकंड देखिए नीचे, सेकंड ब्लॉग है अपना, फिशर फिश मूवर्स फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं, मछुआरे, ठीक है, मतलब फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं वो, उसे हम फिश मॉन्गर्स कहते हैं। तो फिश मॉन्गर्स वहाँ पे बेचते भी थे तो मार्केट में क्या बेचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश, क्योंकि वो सीज़न ही वो मौसम ही से हिल्सा फिश का हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी बेच रहा है इस कॉमिक बुक के अंदर और वो बोल रहा है कम बाय, आओ और ख़रीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे, आज हिल्सा फिश की रेट कम है, प्राइस कम है। और सेकंड वाले कॉलम में देखिए, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो घर पर भी सभी लोग आपस में पड़ोसी जो हुआ करते थे वो लोग भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात किया करते थे। जैसे कि देखिए कैसे बात कर रहे हैं, लेडी बोल रही है यहाँ पे, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि तुमने कितने तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए। फिर वो आदमी बता रहा है, यू वोंट बिलीव इफ यू वोंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, कि मैं अगर तुम्हें बताऊँगा तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, तुम बिलीव ही नहीं करोगे करोगी। अब देखिए नीचे वाले इसमें कॉलम में, इसमें एक राजा है, राजा का महल है इसके अंदर, एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और पैलेस के अंदर भी, महल के अंदर भी, ये जो कोर्टियर्स होते थे मीन्स जो दरबार होता था, राज दरबार को हम कोर्टियर्स कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी सभी लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि वो सीज़न हिल्सा फिश का था। देखिए कैसे डिस्कस कर रहे हैं, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। वो आदमी बोल रहा है कि योर मैजेस्टी आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। फिर देखिए यहाँ पे देखिए वही राजा है, इसने ताज पहना हुआ, यहाँ पे राजा क्या बोलता है, ये देखिए राजा, राजा क्या कहता है, स्टॉप डेट, बोले इसको चुप करो। नेक्स्ट कॉलम में क्या बोल रहा है वो, आर यू अ कॉर्टियर
और अ फिशरमैन कि तुम एक दरबारी हो या कोई फिशरमैन हो या कोई मछुआरे हो। उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब फिशर ये जो हिल्सा फिश की ही बात हो रही थी उसके ऊपर राजा को गुस्सा आ जाता है। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। और फिर जैसे ही गुस्सा करते हैं राजा, तो फिर जो कोर्टियर थे जो दरबार में खड़े हुए जो भी होते हैं राजा के अंडर में जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग सभी अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। और फिर राजा जैसे ही उन्हें देखता है तो फिर उसे गिल्टी फील होता है, उसको बहुत एहसास होता है गलती का कि उसने बहुत गलत तरीके से उनको बोला। फिर बोलता है राजा, क्या बोलता है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मुझे माफ़ कर दो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, मैं अपना आपा खोज काबू नहीं कर पाया। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, कि ये जो सीज़न है ये हिल्सा फिश का ही है और किसी का नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट कॉलम में, फिर राजा क्या बोलते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। कि इसके अंदर गोपाल जो राजा का जो सबसे फेवरेट और क्लेवर मिनिस्टर होता है ना, गोपाल यहाँ पे वो है। तो राजा क्या बोलते हैं कि यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से 5 मिनट तक भी नहीं रोक सकता है। फिर ये जो दूसरा कॉलम, ये इसमें दूसरा जो आदमी बोल रहा है वो कौन है, ये गोपाल है, राजा गोपाल को बोल रहे हैं, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि मैं रह सकता हूँ, आई कुड योर मैजेस्टी। फिर राजा बोलते हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो फिर राजा क्या बोलते हैं, वो उसे चैलेंज दे देते हैं गोपाल को कि तो फिर तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली को, हिल्सा फिश को खरीद कर पैलेस में लेकर आओ, और लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी उसके बारे में, उस फिश के बारे में पूछना नहीं चाहिए, मतलब बिना पूछे यहाँ पे तुम उस मछली को लेकर आओ। और अगर कोई भी थोड़ी देर तक भी तुम पहुँच गए बिना किसी की तुम्हें टोका उस हिल्सा फिश के बारे में तुमसे डिस्कस करे या तुमसे पूछे तो तुम जीत जाओगे। ऐसे राजा ने उसे चैलेंज दिया, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल बोलता है कि ठीक है, मैं आपके इस चैलेंज को मंजूर करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। फिर देखिए, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ये जो सीन है इसके अंदर, ये इसके घर का है गोपाल का। तो कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, तो फिर वो क्या करता है, हाफ शेव कर लेता है ना। और फिर उसकी वाइफ पूछती है, यहाँ पे गोपाल खड़ा है और उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी है, तो उसकी वाइफ पूछती है, व्हाट इज़ योर फेस हाफ शेव, कि आपने अपने चेहरे पे आधी शेव क्यों कर रखी है, आपने आधी मूछ क्यों हटा दी है और आधी क्यों रखी हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, बोला कि मैं भेष बदल रहा हूँ, हुलिया बदल रहा हूँ एक फिश को ख़रीदने के लिए। फिर उसकी वाइफ बोलती है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि क्या मामला है आपके साथ, क्या मैटर है आपके साथ, वाई आर यू स्मरिंग योर सेल्फ विद ऐश, ऐश यानी होती है राख। तो फिर क्या पूछती है वो, कि आप अपने ऊपर राख क्यों लपेट रहे हो। फिर बाद में फिर गोपाल बोलता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, बोला कि मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं ए हिल्सा फिश खरीदने के लिए हुलिया बदल रहा हूँ, ड्रेसिंग अप हो रहा हूँ, ड्रेस्ड अप हो रहा हूँ। फिर देखिए, फिर बाद में जैसे ही वो अपना हुलिया बदल लेता है और फिर जा रहा होता है, तो उसकी वाइफ पीछे से क्या बोलती है, लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनो, प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, क्या बोलती हैं कि आप इतने भद्दे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो और आप कर क्या रहे हो।
फिर बाद में गोपाल के जवाब देता है उसको, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कि मैं आपको कितनी बार बताऊं। वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने बाहर जा रहा हूँ। फिर उसकी वाइफ गेट पे खड़े होकर क्या बोलती है, इट्स हैपेंड टू हिम हिज गोन मैड, वो सोचती है, यहाँ पे कहने का साइन नहीं है, यहाँ पे उसके माइंड के ऊपर से डॉट डॉट जा रहे हैं, मीन्स वो सोच रही है, वो सोचती है कि ये ज़रूर पागल हो गए हैं, और आगे ही इज़ गोन मैड ऐसा सोचने लग जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे, फिर मार्केट में वो पहुंच जाता है हिल्सा फिश लेने गोपाल। गोपाल बोर्ड द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, और गोपाल जो है वो हिल्सा फिश को ख़रीद लेता है और फिर पैलेस की तरफ चलने लग जाता है। और वहाँ पे जो बाज़ार में लोग होते हैं उसमें से देखिए एक बच्चा है, एक बच्चा उसकी तरफ गोपाल की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, कि मम्मी देखिए इस आदमी की तरफ देखिए, इजेंट ही कॉमिकल, कि ये बिल्कुल फनी नहीं लग रहा है, कॉमिकल मतलब होता है फनी, जिसको देखकर हंसी आए, कॉमिकल फनी होता है। ओके तो बच्चा क्या बोलता है कि ये फनी नहीं लग रहा है। फिर देखिए, और फिर उस बच्चे के बाद फिर जो कुछ आदमी होते हैं वो क्या क्या बात करते हैं, ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर एक आदमी बोलता है कि हो सकता है ये कोई पागल आदमी हो, दूसरा बोलता है हुश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिस, बोलते चुप हो जाओ ये ज़रूर कोई मिस्टिस होगा, मतलब कोई खुफिया आदमी होगा। फिर देखिए, फिर वो महल पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे दरबारी उसे रोक देते हैं। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, जब कोर्ट मीन्स यानी वो महल पहुंच जाता है और फिर उसे दरबारी रोकते हैं, बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, कि तुम चाहते क्या हो। आई वांट टू सी द किंग, गोपाल बोलता है कि मुझे राजा से, किंग से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर देखिए, फिर दरबारी बोलता है, जो गार्ड होता है वो बोलता है यू कांट सी द किंग, कि तुम नहीं देख सकते हो किंग को, गेट अवे विद यू, और यहाँ से भाग जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, जब उसे घुसने नहीं देते तो फिर गोपाल क्या करता है, उसने भूल या तो वैसे ही बेकार मतलब पागलों जैसा बना रखा था है ना, और फिर बाद में वो नहीं जान देते तो फिर क्या करता, जोर जोर से गाना गाने लग जाता है और डांस करने लग जाता है, चीख चीख के गाने लग जाता है। फिर देखिए, फिर जैसे ही वो गाना गाता है तो फिर इनसाइड द पैलेस के अंदर फिर राजा, एकदम से राजा के कान में आवाज़ें आती हैं, द मैन इज़ क्रेजी, कि ये आदमी तो पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस। एक फिर एक गार्ड क्या बोलता है कि इसको यहाँ से बाहर निकालो, आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। फिर गोपाल की आवाज़ है तीसरी जो नीचे है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो, लेट मी इन। फिर राजा फिर उस एक गार्ड को बुलाता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, बोला कि उस आदमी को इसी समय मेरे पास लेकर आओ, राजा बोलता है। और फिर बाद में वो अंदर जो गार्ड है वो क्या बोलता है, यस योर मैजेस्टी, बोले ठीक है। फिर बाद में वो उस गोपाल को अंदर बुलाया जाता है और फिर बाद में गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, उनके सामने खड़ा किया जाता है गोपाल को, इट्स गोपाल। तो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से एक जना उसको पहचान लेता है और फिर वो बोलता है अरे ये तो गोपाल है। फिर देखिए नेक्स्ट में, फिर वहाँ के जो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स खड़े रहते हैं वो आपस में गुस्साफूसी करने लग जाते हैं गोपाल के बारे में, कैसे कहते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट इज माइंड, कि इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। फिर दूसरा आदमी क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई इसका कोई पागल सा मजाक, क्रेजी सा मजाक होगा, जोक होगा। फिर राजा बोलता है गोपाल से, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, बोले ठीक है गोपाल अब बताओ तुमने इस तरह के अजीबोगरीब ढंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर गोपाल बोलता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, कि आप कुछ भूल रहे हो।
शायद आप कुछ भूल रहे हो। फिर राजा सोचने लग जाता है, फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ क्या? फिर बाद में गोपाल उन्हें बताता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। कई स्ट्रेंजली इन स्ट्रेंजली मतलब ये शॉकिंग की बात है कि आज किसी ने भी कोई भी हिल्सा फिश की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब हिल्सा फिश की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, गोपाल के लुक की तरफ दे रहे हैं ध्यान सभी के सभी। और मार्केट में वो बताता है कि मार्केट से लेकर आपके पैलेस तक किसी भी आदमी ने एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला, सिर्फ मेरे बारे में ही बोला। फिर देखिए, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और फिर उसी वक्त किंग को जो उन्होंने चैलेंज दिया था गोपाल को, वो याद आ जाता है उन्हें सारी बातें। और फिर वो उन्हें बहुत तेज हंसी आने लग जाती है, फिर वो हंसते हैं, हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। बोले हंसने लग जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन के बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, यू हैव अचीव्ड, तुमने एक बार फिर से जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया है। और फिर सभी वहाँ पे जो जो दरबार के अंदर जो कोर्ट में सभी लोग जो थे वो भी बहुत तेज हंसने लग जाते हैं। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको करवाती हूँ इसके वर्ड मीनिंग, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनवाऊँगी, और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लिखवा देती हूँ, ठीक है? ये देखिए, चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश, मैंने अपनी नोट अपनी जो रजिस्टर है उसके अंदर लिखा है। आप भी इसमें ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं हैं, इसीलिए 5 हार्ड वर्ड्स हैं इसके अंदर, यह आप लिखते जाइए, मैं आपको बोलती जाती हूँ, ठीक है? तो अपना फर्स्ट हार्ड वर्ड में लिखिए आप, फर्स्ट अपना वर्ड है कोर्टियर, CORTIER, कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब होता है अटेंडेंट, मीन्स दरबारी। कोर्टियर अटेंडेंट की स्पेलिंग देखिए, ATTENDANT, अटेंडेंट। सेकंड है अपना वर्ड टेम्पर, TEMPER, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। थर्ड देखिए, डिसग्रेसफुल, DISGRACEFUL, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है वेरी बैड, यानी बहुत बुरा। फोर्थ देखिए, मैड मैन, MADMAN, मैड मैन, ये एक ही वर्ड होता है, तो मैड मैन होता है पागल। तो मेंटली इसका मीनिंग क्या है, मेंटली डिस्टर्ब्ड मैन, जो दिमाग से डिस्टर्ब्ड हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो ऐसा आदमी, उसे हम मैड मैन कहते हैं। तो mentally, MENTALLY, mentally disturbed, 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 आगे man, MAN, man। फिफ्थ देखिए, ridiculous, RIDICULOUS, ridiculous। ridiculous का मीनिंग होता है silly, यानी बिल्कुल मजाकिया टाइप का, silly, बेवकूफ़ी अंदाज में। तो SILLY, सिली, ठीक है? तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, इसके हार्ड वर्ड्स पूरे चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के, गोपाल एंड द हिल्सा फिश के, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ओके? तो आप ये जो आज इस वीडियो में जो वर्क किया है उसे आप फेयर आउट कर लेना, ओके? थैंक यू।